नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारा सोशल लिंक है जहाँ पे आप हमें सीधे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे, वेरी इंपॉर्टेंट करेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, जो प्री के दृष्टिकोण के साथ साथ मेंस मतलब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ टॉपिक को मैं आज सेलेक्ट करके पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, शबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद जो केरल में अभी हो रहा था, ठीक है, शबरीमाला टेम्पल डिस्प्यूट, आम आदमी पार्टी बनाम उपराज्यपाल मामला जो दिल्ली में हुआ, आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ, मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या और कुछ स्पेशल दिन जो हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के साथ साथ मेंस के दृष्टिकोण से, इससे जो जुड़े क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो सारा चीज़ आप आज की क्लास में पढ़ेंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साथ ही साथ अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करेंट टॉपिक से जुड़े जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो आते ही आते हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार के खिलाफ ये लाया गया था। तो हम आज ये देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, किस तरह से यह लाया जा सकता है, कौन से नियम के तहत लाया जा सकता है, ठीक है, हाल ही में कौन लाया और इतिहास इसका क्या रहा है, हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हाल में मोदी सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कौन से पार्टी ने, तेलुगु देशम पार्टी TDP द्वारा ये लाया गया है, और इसको लाने का जो मेन कारण क्या था कि सत्ता में आने के समय 2014 में मोदी सरकार ने ये वायदा किया था कि आंध्र प्रदेश को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ठीक है। तो इनके तहत मतलब आंध्र प्रदेश सरकार के तहत ये कहा जाता है कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, तो विशेष राज्य का दर्जा जब भी मिल जाता है तो काफ़ी उस राज्य को काफ़ी इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है, मतलब आर्थिक फ़ायदा मिलता है अगर वो लोन लेते हैं, या काफ़ी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से बहुत सारी चीज़ जो है विशेष राज्य को है फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इनके मतलब ये कहना था कि इनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, लेकिन ऐसा हो ना सका, तो इससे निराश होकर जो तेलुगु देशम पार्टी ने ये गठबंधन से बाहर निकलकर अविश्वास प्रस्ताव के लाने की बात कही थी, ठीक है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख मिलता है आपको लोकसभा के नियम 198 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं संविधान के अनुच्छेद नहीं बोल रहा हूँ, लोकसभा के जो नियमावली के तहत नियम नंबर 198 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये संविधान में नहीं है, ये लोकसभा के नियम की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 75 में लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। तो इस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आ सकते हैं, इन दो जगहों पे इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है, कहाँ लाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केंद्र में केवल लोकसभा में और राज्य में अगर लाया जाता है तो ये केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, मतलब निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में लाया जाता है, और ये वहाँ के कोई भी सदस्य लाया जा सकता है, वहाँ के कोई भी सदस्य के द्वारा। और प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की, कितने सदस्यों की समर्थन जरूरी है, तो कम से कम 50 सदस्यों की जो है ज़रूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है आप का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप वो नोट डाउन करिएगा, किस उद्देश्य से लाया जाता है। तो सरकार के गिराने के उद्देश्य से विपक्षी दल के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो प्रस्ताव लाने से पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है लोकसभा सेक्रेटरी को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने से पहले सबसे पहले लोकसभा सेक्रेटरी को लिखित सूचना दिया जाता है, उसके बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आ सकते हैं। प्रस्ताव पास अगर होता है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रस्ताव ये आता है तो प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है, और बहुमत साबित करने के लिए वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं।
अगर वो अपना विश्वास प्रस्ताव मतलब अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तब क्या होता है, सरकार गिर जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपका हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। और प्रस्ताव नामंजूर अगर हुआ तो दोबारा हम कब ला सकते हैं, अगर पूछा जाए तो 6 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव दोबारा लाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे, हम महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे जो आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, कैसे पास होता है अगर पूछा जाए, तो कैसे बहुमत से, तो यहाँ पे कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, साधारण बहुमत मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं उससे अगर आधे से ज़्यादा बहुमत मिल जाता है तो ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, 50% प्लस। अब देखते हैं भारतीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पहली बार लाया गया, अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में। किसने लाया है? तो विपक्ष दल के नेता जे बी कृपलानी द्वारा लाया गया था अगस्त 1963 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव अभी तक किसके खिलाफ लाया गया है? तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 बार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ज्योतिर्मय बसु के पास 14 बार, मतलब इन 15 में से 4 बार ज्योतिर्मय बसु द्वारा लाया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ ही, ठीक है। अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ है अगर आपको पूछा जाए, तो देखिए दोस्तों अब तक सिर्फ एक ही बार जो है अविश्वास प्रस्ताव सफल हो पाया है, मतलब एक बार जो है सरकार को गिराया गया था अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, ठीक है। तो ये एक ही बार सफल हुआ है, और अब तक कितनी बार लाया जा चुका है अगर आपको पूछा जाए, तो अब तक 27 बार लाया जा चुका है। ये जो है अभी 27वां था, ये जो क्रम था अभी जो हाल में लाया गया था वो 27वां था, ठीक है। और जो 26वां लाया गया था 2003 में लाया गया था, तो 15 साल बाद, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप मिलता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 15 साल बाद अभी 27वां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। दुनिया का पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दुनिया का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटेन में 1782 में सर रॉबर्ट वॉलपेल के खिलाफ ये लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखनी है। अब हम आगे बात करेंगे समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी इस पर बहुत सारी विवाद हो रहा था, काफ़ी चर्चा यहाँ पे हुआ है। तो देखिए भारत में ये कब से है, 1860 से ये जो है ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल के समय ये भारत में बैन है, 1860 के समय से ये भारत में बैन चला होते आ रहा है। और ये जो है धारा 377 IPC 377 के तहत इसे क्राइम माना गया है। तो देखिए इसी का जो है बात चल रहा है कि इसे क्राइम ना माना जाए, इसे क्राइम के दायरे से हटाया जाए, इसी पे अभी बात चल रहा है। देखिए इसे ब्रिटिश के समय लाया गया था, और अगर अभी अब देखा जाए तो ब्रिटिश में अभी ये बैन नहीं है, और बहुत सारे देशों में इसे क्राइम नहीं माना जाता, तो हमारे देश में ऐसा क्यों किया जाता है, इसी पे ये बात चल रहा है और इसे ख़त्म करने की बात चल रही है। क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो जो है क्या है इसका जो है हनन ये कर रही है, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या बोलते हैं कि समान कानून, मतलब सबके लिए कानून समान है। 15 अनुच्छेद ये कहता है कि लिंग के आधार पर, धर्म, जाति और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंग की बात चल रही है, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। साथ साथ अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये जो है धारा 377, ठीक है, ये इन तीनों अधिकारों का एक तरह से हनन करती नजर आ रही है, इसलिए इसे खत्म करने की बात तभी चल रही है। इसके साथ साथ एक और केस देखेंगे, सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद जो केरल में है, ठीक है। तो केरल में ये जो है विवाद चल रहा था, ये है सबरीमाला टेम्पल डिस्प्यूट। यहाँ पे क्या हुआ था, इसका ये जो विवाद का कारण था कि यहाँ पे जो है 10 से 15 उम्र के महिलाओं का जो है मंदिर में प्रवेश निषेध है इस टेम्पल में, ठीक है। तो इसका ये रीज़न भी है कि 10 से 50 उम्र की जो महिला होती हैं, यहाँ पे 10 से 50 उम्र की जो महिलाएं होती हैं, उनका जो है जो इस टाइम जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, इस कारण जो है महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे निषेध किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये विवाद चल रहा है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में समानता की बात कही गई है, तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं एक ही तरह से है, और संविधान के कुछ अनुच्छेद को हनन करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है जो भी चीज़ मैं बताया।
अब हम आगे बात करेंगे आम आदमी पार्टी बनाम उपराज्यपाल मामला, जो दिल्ली में हाल ही में जो अभी विवाद हो रहा था कि दिल्ली सरकार को लग रहा था कि उनकी जो है शक्तियाँ जो है उनको कम दी गई हैं और उनकी शक्तियाँ छीनी गई हैं, जिन पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है। ऑफ वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दिल्ली आप सभी को पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में शासन कैसा होता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में शासन पूरी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से, मतलब राष्ट्रपति अपनी अभिकर्ता के रूप में वहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त करता है। अब ये जो प्रशासक होता है विभिन्न 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 केंद्र शासित प्रदेश में इसका नाम जो है अलग अलग कर दिया गया है। अगर दिल्ली की बात किया जाए, दिल्ली के साथ साथ पुदुचेरी और अंडमान में, तो उसे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और शेष जगह यहाँ पे मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहा जाता है। तो अभी तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है उपराज्यपाल, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो यहाँ पे प्रशासन होता है उसमें कुछ अंतर होता है, उसको आप समझिएगा तब ये चीज़ ये केस जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए राज्य जो है यहाँ अपना विधानसभा होता है, मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल होता है, मतलब ये अपना प्रशासन एक अपने अलग तरह से जो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इनका इनके अलग एक प्रशासन सिस्टम होता है, जैसे केंद्र में होता है क्या होता है, केंद्र में एक होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है और उनका एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है। उसी तरह सारा चीज़ जो होता है राज्य में होता है, उनका एक विधानसभा होता है, उनका एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पे हो गया मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति की जगह यहाँ पे हो गया राज्यपाल। तो इस तरह से सिस्टम यहाँ पे राज्य पे चलता है। अगर वहीं अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश के, तो ये तीन चीज़ यहाँ पे नहीं होता, सीधे जो है केंद्र से शासन यहाँ पे चलता है। लेकिन दिल्ली का मामला कुछ अलग है, दिल्ली ना तो पूरी तरह से राज्य है, ना तो पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब दिल्ली इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा भी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री है जो अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। और इन सब के होते हुए भी इनको जो है सारी शक्तियाँ इनके हाथ में नहीं है, यहाँ भी केंद्र से उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ पे कुछ कुछ कार्य किए जाते हैं। इनको बहुत पूरी शक्ति नहीं है दिल्ली सरकार को, उपराज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे पुलिस हो गया, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इनसे जुड़ी शक्तियाँ जो है उपराज्यपाल के पास है, ठीक है। तो देखिए अब कोई भी सरकार जब आती है, कोई भी सरकार जैसे कोई भी राज्य में आ गई, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में ही कोई सरकार आ गया, तो वो जब सरकार आती है तो वो अपने हिसाबों से अधिकारियों और प्रशासकों को नियुक्त करता है और तबादले करना पसंद करती है, वो अपने तरह से काम करना पसंद करती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पा रहा था, वो ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास थी। तो यही चीज़ यहाँ पर आया और दिल्ली सरकार जो है हाईकोर्ट के पास गई कि हमें भी ये शक्तियाँ दी जाए, ठीक है। तो हाईकोर्ट पर इनकी काम अच्छे से बनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि लैंड लॉ और ठीक है लैंड लॉ ऑर्डर को छोड़कर दिल्ली सरकार बाकी निर्णय अब स्वयं ले सकती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दिल्ली सरकार चाहे तो आईएएस अधिकारी और जैसे अन्य अधिकारियों के तबादले भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है चीज़। और अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में दिल्ली के जो उपराज्यपाल कौन है, तो आप याद रखिएगा अनिल अनिल बैजल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताया आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आगे का जो शीर्षक है, भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग, ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों मॉब लिंचिंग वो चीज़ है जैसे कि बहुत सारी गतिविधियां जो होती हैं, मतलब भीड़ के माध्यम से किसी की हत्या हो जाती है, ठीक है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है केंद्र और राज्य सरकार को, इसकी इसको अब बहुत जल्दी कंट्रोल कीजिए और जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ ठोस कदम उठाइए, साथ ही साथ कोई अच्छा सा कानून बनाइए, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य अपने कर्तव्य अच्छे से नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ता है कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करिए, ठीक है। तो हमारे जो है संविधान जो है हमारा प्रशासन कुछ इस तरह से चलता है भारत का, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे गृह मंत्री जो थे उन्होंने ये बात भी कहा है कि ये जो मामला है एक तरह से पुलिस का जो पूरा कंट्रोल होता है राज्य के ऊपर होता है, तो ये जो मामला है एक तरह से राज्य सरकार का है और उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोनों कुछ भी कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पे कानून बनाइए। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ विशेष दिन आपको याद रखना है जो जून जुलाई जुलाई अगस्त महीने पे हम देखेंगे, ठीक है, देखे थे। तो देखिए 11 जुलाई को था विश्व जनसंख्या दिवस, 23 जुलाई को था
ये जो एलपीजी 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म आया था 23 जुलाई को आया था, 26 जुलाई को था कारगिल विजय दिवस, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध इसी दिन शुरू हुआ था, 9 अगस्त को है, 9 अगस्त को था सॉरी विश्व आदिवासी दिवस, और 10 अगस्त को था विश्व जैव ईंधन दिवस। तो ये सारे जो चीज़ें हैं विशेष दिन, ये भी आपको याद रखते जाना है, करंट अफेयर जब भी आप पढ़ते हो तो आप इसको कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि इससे जुड़ी जो क्वेश्चन है वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।